स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आए हैं आंटी का इंटरव्यू लेने। ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और आप देख सकते हैं कि आंटी किस तरह से यहाँ पे अपना घर चलाती हैं इस घरवार से। तो आंटी आप क्या कहना चाहेंगी, आपने कैसे शुरुआत करी थी और कैसे शुरुआत करी, कब शुरुआत करी थी, आप मुझे बताएं आप अपने बारे में थोड़ा। आपके ठेले का नाम, आपने कब शुरुआत की थी, कुछ आप मुझे अपने बारे में बताएं। आपने कब शुरुआत करी थी आंटी? मेरे को 5 साल हो गए यार बेटा। 5 साल हो गए। उन 5 साल में आपने क्या क्या स्ट्रगल करा है, कैसे खोला है, आपका ये ठेले का नाम क्या है? मेरा ठेले का पराठे वाली आंटी। और आपने कब शुरुआत करी थी, कौन सी डेट को? 5 साल हो गए, 6 साल लग गया बेटा। 6 साल लग गया। और आप क्या क्या खाने में देती हैं, आप खाने में क्या क्या देती हैं? खाने में सब पंजाबी जो खाना होता है सारा खाना देती हैं। सारा पंजाबी, राजमा चावल रोटी सब्जी सब देती हैं। सूखी सब्जी मतलब दिल्ली चेंज करती हैं, वही सब्जी कोई नहीं होती। आपके खाने का क्या प्राइस है? 30 की 4 रोटी है और 30 के 2 पराठे हैं। ओके। सब्जी के साथ सब्जी है, अचार है, सलाद है। आप अपने बारे में कुछ? अचार है, सलाद है, 30 के 2 पराठे हैं और 30 की 4 रोटी। अच्छा। और आपके साथ जो काम करते हैं उनको मतलब? अभी एक दो दिन से आई हैं। मतलब ये भी सीख रहे हैं, मतलब आपके साथ काम करके? एक दो दिन से आई, पहले मैं ही करती हूँ। अच्छा। और आपके घर में कौन कौन है? मेरी एक बेटी, मेरे हस्बैंड है, एक बेटी की शादी हुई, 2 बेटी हैं, एक की शादी हुई, एक की नहीं। अच्छा। आप पंजाब में रहते हैं क्या? हाँ। पंजाब में हूँ लेकिन अब मेरी शादी यहाँ हुई, जब मैं यहीं की हूँ ना। दिल्ली में आपको आए हो कितने साल हो गए? मेरे को हो गए 37 साल। 37 साल हो गए मेरी शादी है, 37 हो गए। और आप मतलब आपको ये बिजनेस करके कैसा लग रहा है आंटी? आपको बिजनेस करके कैसा लग रहा है, कैसा हो रहा है? बेटे काम तो होता नहीं, करना तो पड़ेगा, कमाने वाला कोई है नहीं, लड़की की कमाई है नहीं, आदमी की कमाई है नहीं, आदमी हार के पीछे कर, बाकी ये कि मेरे को करना ही करना है, रोटी कौन देगा, रोज किससे भीख मांगूंगी? सही बात, वैसे होता नहीं है, मेरे पैरों में सेलिंग है, घुटनों में मेरे खराब है, मैं कर रही हूँ, करना पड़ेगा बेटा। आपके भी हेल्थ इशूज़ रहते हैं शायद, आपने बताया था पहले, आपके भी कुछ हेल्थ इशूज़ रहते हैं, आपके भी कुछ हेल्थ इशूज़ रहते हैं क्या? जैसे प्रॉब्लम मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ, मेरे को आँख के पास नहीं बैठना, मगर कौन करेगा, आँख का ऑपरेशन कराया मैंने। अच्छा। और आप अपने बारे में कुछ और बताएं, मतलब आपने? मजबूरी में टाइम पास कर रही हूँ भाई, मेरे को जीने वाला हाल नहीं मेरा, अब करने वाला कोई है नहीं, कौन करेगा, बेटा मेरा कोई है नहीं, बेटा मेरा कोई है नहीं, मेरे को खुद कमाना है ना, मेरा बेटा नहीं है, बेटी है, बेटी भी उसकी शादी करनी है, बेटा खुला दे बाबू, कहाँ से आएगा 60 रुपये किलो?